Thank you.
की प्रजा में सोका परिपन उपवन नष्ट होने लगे, जीव जंतु मरने लगे, हरियाली कहीं नजर नहीं आ रही। सुनैना ने ये देखा, सुनैना कहने लगी, प्रभु चुपाए करो, इन दुखियारों का हाल अब पे देखा नहीं जा रहा है। तो बताया गया है इधर सुनैना के कहने पर महाराज जनक जी ने जो तसियों को बुलवाया और सभी से की बात कही, ऐसा कुछ उपाय करो जिसके द्वारा बारिश हो। तो सभी चोटी लोग कहने लगे, देखो मेरी बात सुनो, तो मैं ऐसा करूं, एक सोने का हार बनवाओ, तुम्हारी रानी तुम नगिन होकर के चलाओ। अब बताया गया है, एक सोने का हार बनवाया गया सुनैना और महाराज जनक जी ने जब वो हल चलाया तो सुनैना जो थी वो गर्भवती, चलाते समय जमीन से एक लड़की निकली और जब जमीन से एक लड़की निकली है तो इधर बताया गया है उस लड़की को पहलों में लाया गया, उस लड़की का पालन पोषण किया गया, उस लड़की का नाम सीता रखा गया। धीरे धीरे सीता बड़ी होने लगी है लिखा गया है। और अभी आप सभी लोग बहुत सुंदर झांकी देखेंगे कुछ ही चरों में। उस लड़की का नाम सीता रखा गया। धीरे धीरे सीता बड़ी होने लगी। एक दिन सुनैना कहीं चली गई थी तो इस कारण से सीता अपने घर की जारा बुआरी कर रही है। किस तरह से किसी जाती दुलारी सीता के सिलेंदर और बचपन में Yeah.
रानी बहुत बड़ा कौतक करता कौतक कौन सा दीप की बिना हड्डियों का बना हुआ जो धनुष सीता ने उसे एक यहां से उठा दिया और दूसरी जगह रख दिया उसके नीचे झाड़ू लगा दिया। तब तक महाराज जनक जी का आगमन हुआ। जब जनक जी का आगमन हुआ है तो उसी समय बताया गया है इधर जनक जी ने देखा सीता ने धनुष उठा लिया इसका कारण है मेरी लड़की शादी के योग हो गई। दरबार में पहुंचे खत में चिट्ठी हर जगह एक ही बात लिखी कौन सी